आज हम बनाएंगे चने का सत्तू, जो पीने में बहुत ही टेस्टी और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप और लू है कि चने का सत्तू तो हर किसी को पीना चाहिए। तो चलिए देखिए बनाते हैं। हमने चने का सत्तू लिया है 2 चम्मच। इसके बाद हमने पूरे भर के 1 गिलास पानी डाल दिया है। आप लोग अपने हिसाब से पतला या मोटा कर सकते हैं, लेकिन जो सत्तू होता है ना, थोड़ा पतला ही अच्छा होता है। पतला पीने से गले में फंसता नहीं है, अगर आप मोटा रहेगा तो गले में फंसता है। तो इसीलिए देखिए इतना पतला हमने इसको पूरा अच्छे से फेंट लिया है। और इसके बाद फेंटने के बाद इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, ये सादा नमक है। और इसके बाद काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज और बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा। अगर आप लोग के पास पुदीना हो तो उसको भी बारीक काट करके इसमें डाल दें, बट हमारे पास पुदीना नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। अब इसके बाद डाल देंगे नींबू। एक हमने नींबू को काट लिया, उसके बीज मैंने पहले से निकाल दिए हैं, और इसके बाद उसका जो रस है उसमें हम निकाल लेंगे। अब इसमें रस में डालने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम पूरा अच्छे से मिला लेंगे। और ये आप गर्मी में पीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पेट ठंडा रहता है। आप लोग बच्चों को, बड़ों को, सबको दे सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको हमने मिला लिया है। मिला करके अब क्या करेंगे, इसको हम अब ग्लास में भर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग ज़रूर अपने घर पे बनाइए इस तरह से। और जो ये तरीका है बहुत ही सबको पसंद आएगा, ये जो हमने सत्तू बनाया है चने का। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो उसमें जौ का भी सत्तू थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरा चने का ही बनाया है। अब इसके बाद दोनों देखिए गिलास में हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद ऊपर से इसमें चाट मसाला डाल देंगे, बहुत ही अच्छा लगता है चाट मसाला। आप लोग इसके बाद ऊपर जब डाल देंगे तो इसको आप चम्मच से मिला करके पीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो चने का सत्तू है ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग हमारी जो वीडियो है कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।